पेश है हिंदी जबान में अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। कश्मीरी विधवाओं अर्धविधवाओं को कश्मीर विवाद से उत्पन्न आपदाओं का सामना है। विधवाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व के लिए विधवाओं व अर्धविधवाओं की यातनाओं को स्मरण कराता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस विश्व को उन आपत्तियों तथा कठिनाइयों को नहीं भूलना चाहिए जिनका विधवाओं तथा अर्धविधवाओं को सामना है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस विधवाओं तथा अर्धविधवाओं की यातनाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का दिवस है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सन 1989 से अब तक भारतीय सशस्त्र बलों के नियंत्रण में 10,000 से अधिक व्यक्ति लापता हो चुके हैं। बलपूर्ण लापता किए जाने की कार्रवाइयों से भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अर्ध विधवाओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में गत 3 दशकों में विधवाओं तथा अर्ध विधवाओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। निरंतर चल रहे भारतीय राज्य आतंकवाद के कारण जनवरी 1989 से 31 मई 2024 के मध्य 22,975 कश्मीरी महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में 2,000 से अधिक अर्ध विधवाएं हैं जिनके पति लापता हो गए हैं, परंतु भारतीय सेना ने उन्हें मृत घोषित नहीं किया है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के दारकपुरा ग्राम में लगभग 2000 महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति भारतीय सेना की हिरासत में लापता हो गए। अपार दुखों के कारण कश्मीरी विधवाएं अर्ध विधवाएं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से त्रस्त हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में विधवाओं तथा अर्ध विधवाओं की उपस्थिति भारतीय सशस्त्र बलों की प्राथमिकताओं का जीता जागता प्रमाण है।